जनपद सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील के स्थित एक ऐसा भी उस प्राथमिक स्कूल है जहां 10 साल से संचालित स्कूल अभी तक शौचालय विहीन है, जिसमें वहां पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों व कर्मचारियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन नतीजा जीरो ही निकला। इस विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा लेने के लिए छात्र छात्राएं आते हैं। मेरा नाम पूनम पांडे है, मैं सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरदंगनान कार से हूँ। समस्या सर यहाँ सबसे बड़ी ये है कि यहाँ शौचालय नहीं है और पूरा विद्यालय का छत चप टपकता है। जैसे यहाँ जब से विद्यालय का निर्माण हुआ तब से यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं है। अब सर इसमें हमको कहना क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप जो भी है आपके सामने ही है, आप देखिए। अब समस्या सर बहुत ज़्यादा होती है, जब खेत कटने को होता है, सिंचाई है, बुआई है, तो हम लोगों को जाने में आगे पीछे बच्चियां हैं हमारे यहाँ, रसोइयां हैं, तो ये सब समस्याएं तो रहती ही हैं। क्या इसकी शिकायत आपने अपने आला अधिकारी जी? बिल्कुल, हमें बहुत बार दिया गया है, लिखित भी दिया गया है, रिसीविंग भी लिए हैं हमारे हेडमास्टर साहब, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आपको? सर लिख के तो जाता है, सुनने में आता है कि विद्यालय होगा शौचालय निर्माण, इससे ज़्यादा हमको कोई जानकारी। हमारा नाम विमल कुमार है, हम अध्यक्ष पद पर हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ जो है, शौचालय को लेकर के बहुत समस्या है, और इस समस्या का समाधान ना प्रधान द्वारा हुआ और ना विभाग द्वारा हुआ। विद्यालय के बने हुए 10-12 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक शौचालय का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर के हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जैसे भी आपने बताया शौचालय, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी बच्चियाँ पढ़ते हैं, आप यहाँ अध्यापिका भी हैं, ऐसे में उनको शौचालय में काफ़ी समस्याएं होती होंगी, तो कैसे क्या होता है? अब हम लोग यहाँ बच्चों को रोकते हैं तब बच्चियों को बाहर जाने देते हैं, फिर बच्चियाँ वापस आती हैं तब बच्चों को बाहर जाने देते हैं, फिर भी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चारों तरफ खुला हुआ है विद्यालय का, इस समय बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी जो है शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। जैसे भी आपने बताया 10 से 12 साल माज हुआ ये विद्यालय बने, ये विद्यालय पूरी तरह से जर्जर दिख रहा है, नीचे जर्जर दिख नहीं रहा है। बारिश के दिनों में तो एक बार बरसता है तो 3-4 दिन टपकता है, ऐसा ये समस्या इस विद्यालय में है। कहीं कोई कागज़ पर सुरक्षित नहीं है, सब जो कुर्सी अलमारी सब एकदम भीग करके सब। नहीं मतलब ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आप लाएं मेरे संज्ञान में तो इसको ज़रूर दिखवाएंगे, और अगर कहीं भी स्कूल में, वैसे भी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हम लोग ये मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं कि किन स्कूल्स में शौचालय टाइल्स और बाउंड्री वॉल नहीं है, और हमारा टारगेट यही है कि आगामी एक वर्ष में या 6 महीने में, आने वाले 6 मंथ्स में एटलीस्ट सब हम सारे ही स्कूल्स जो बेसिक आधारभूत सुविधाएँ उनसे सैचुरेट कर दें। सर वहाँ के अध्यापक का कहना कि कई बार लिखित रूप से उन्होंने आला अधिकारी को सूचना दे दिया है। नहीं देखिए, मैं ये मानता हूँ एक जगह नहीं, कुछ जगह और भी हो सकती हैं जो इस टाइप की समस्या हो, तो हम उन्हीं को मॉनिटर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर।